कलबुर्गी में 50 साल से किसी भी मुस्लिम को जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। यदि मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी या सरकार में कोई बड़ा पद नहीं दिया जाएगा तो वे कलबुर्गी में आने वाले सभी चुनावों में कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएंगे। कर्नाटक कलबुर्गी से हमारे स्टाफ रिपोर्टर इमरान खान की रिपोर्ट। जे वार्गी और याद रामी तालुका के अल्पसंख्यक कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अनुरोध किया है कि जे वार्गी तालुका और जिले में मुस्लिम समुदाय को पहले सीट दी जाए। रहमान पटेल और अन्य ने मांग की है कि आगामी चुनावों में जेवारगी तालुका और जिले में मुसलमानों को अधिक टिकट और उच्च दर्जा दिया जाए और उन्हें राजनीति में आगे आने में भी मदद की जाए। मुसलमान को बनाना तो हमारा पहला हक हम जेवारगी तालुके से पूछ रहे हैं। हमारे जेवारगी तालुके वालों को नहीं दे रहे तो तुम चितापुर वालों को दो, अफजलपुर वालों को दो, ग्रामीणी को दियो, सेडम को दियो, चिंचोली को दियो, आड़न को दियो, किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के मुसलमान को बनाए तो हमारे को कोई इसकी बात नहीं है, अफसोस की बात नहीं है, बिल्कुल हम उनके ये ताइद में रहते हैं। दूसरी बात, ये हमारे कम्युनिटी के 5 निगम रिलेटेड है, वो कौन से है बोले तो वक्फ बोर्ड है, मनाटी कमीशन है, KMDC है, हज कमेटी है और उर्दू बोर्ड है। ये जितने भी बोर्ड है 5, वो पूरे बेंगलुरु वालों के कुछ बनाते हैं, मैसूर, चित्तौड़, हासन सिटी, बेंगलुरु, पूरे उर्दू पैदा भी हैदराबाद दक्कन, जो हैदराबाद कर्नाटक बोलते हैं, ये 7 डिस्ट्रिक्ट में उर्दू बोली जाती, पढ़ी जाती, उसका आज तक भी एक मेंबर नहीं है। परसों कॉप किया अनिस सिद्दीकी को, वो भी मेरे आवाज पे गुज़िश्ता महीना जब नामनेट किया गया MP इलेक्शन से पहले, उसको आवाज उठाया। उर्दू पैदा भी गुलबर्गा और बिदार में, और उर्दू कमेटी का एक मेंबर नहीं, अफसोस की बात है बोले तो, जब अनिस सिद्दीकी को वाप किया गया और उर्दू कमेटी का सदर भी उधर का बेंगलुरु का, KMDC सदर भी वहाँ के, हज कमेटी के वहाँ के, वक्फ बोर्ड के वहाँ के, हम ये चाहते अब ये बार बने फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में हमारे को 2 से 3 हैदराबाद कर्नाटक को उसके निगम के चेयरमैन बनाना, और डायरेक्टर भी वहाँ के बने। हमारे पास ना हज कमेटी का मेंबर है गुलबर्गा से, अफसोस की बात है। हमारे क्षेत्र से कितने MLA आनंद है, अफजलपुर है, नॉर्थ है, साउथ है, ग्रामीणी है, जेवरगी है, चितापुर है, चिंचोली है, सेडम है, 9 क्षेत्र है। 9 क्षेत्र में एक हज कमेटी का मेंबर नहीं है लायक मुसलमान, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 7 MLA कांग्रेस के है, बहुत अफसोस की बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई तुम एक भी मुसलमान को नहीं देते, और जब भी कांग्रेस की हुकूमत आती हज कमेटी वक्फ बोर्ड गुलबर्गा सिटी कुछ बनाती, क्यों भाई? तालुका साहब में काबिल मुसलमान नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, वो काम चलाने की सलाहियत नहीं है। आज तक भी देखो, मैं 35 साल से 89 से पॉलिटिक्स में, आज तक गुलबर्गा के मुसलमान को छोड़े थे ने, वही जनता दल की हुकूमत दूसरे तालुकों को देते, अफजलपुर दिए, सेड़म दिए, चिंचोली दिए, जेवरगी दिए, BJP दिए, आई हुकूमत तो दूसरों को देती, पर गुलबर्गा में जब भी कांग्रेस हुकूमत आती स्टेट में, गुलबर्गा कुछ GDA भी उनको, KSRTC भी उनको, जो भी है निगम गुलबर्गा। मैं ये पूछना चाहता हूँ तालुके को देख रहे थे, जो जितने भी MLA है, प्रियंका खड़गे, शरण प्रकाश पाटिल है, अजय सिंह है, आलमपुर वो पाटिल है, और BR पाटिल है, MI पाटिल, मैं उनसे विनंती करता हूँ, आप लोग अपने कार्यकर्ताओं को जब भी आता है, फॉरवर्ड में आता है तो अपने अपने क्षेत्र को बनाते, आप देखो विशाल अपने अपने क्षेत्र के फॉरवर्ड कम्युनिटी के लीडर्स को निगम मंडली बनाती, बैकवर्ड आ रहे तो बनाती, SC RA बनाते, मुस्लिम आते ही गुलबर्गा सिटी छोड़ते साउथ नॉर्थ को, ये क्या भाई? हम क्या मुसलमान तुम्हारे को नहीं करते, क्या अजय सिंह को नहीं करते, क्या प्रियंका खड़गे को नहीं करते, क्या शरण प्रकाश को नहीं करते, ये क्या बात है? उसलिए अभी तक हमारे बड़े आवाज नहीं उठाए, आज हम आवाज उठाए। ये अचानक सेकेंड स्पेल में हमारे को हक नहीं मिलेगा, इसके बारे में बहुत बड़ा नुकसान होगा तुम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। कब होगा सर नुकसान? आने वाले दिन में अब तो फर्स्ट स्पेल खत्म होगा, हमारा हक नहीं मिलता अब फर्स्ट स्पेल में, अब सेकेंड स्पेल में हमारा हक नहीं देंगे तो बिल्कुल उनको आने वाले दिन में बिल्कुल सबक सिखा के रहते। और दूसरी बात, 55 अब जिला पंचायत और तालुका पंचायत चुनाव आ रहे, 55 सीट है, 55 सीट में मैं 7 सीट मुसलमान को देना, गुजिश्ता राहुल को 1 दिए, जेवरगी को अभी तक 3 पीरियड होगा नहीं, इसकी वजह क्या है? यही
भाई जहाँ भी मुस्लिम मुसलमान चुन को आती है वहाँ एस सी एस टी रिजर्वेशन है, कैसा ठहरना बताओ? जात पात का इलेक्शन चला, सब लोग को मुसलमान के वोट होना, जब मुसलमान ठहरेगा तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम लाते, ये हालत हमारी देश की होकर बैठी। आज तीन बार मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तीन बार एमपी चुने, एक जने को भी तालुका जाति नहीं लिया, अपने क्षेत्र चितापुर से कोई किसी को स्टेट लेवल में नहीं भेजे। अब उनके दामाद साहब है, तोखो है, बहुत अच्छे आदमी है, इंसान है, राधा कृष्णा साहब, उनके ऊपर तोखो है कि भाई अपने पार्लियामेंट क्षेत्र से जेवरगी हो, चितापुर हो, सेड़म हो, चिंचोली हो, चिंचोली तो उनको नहीं आता, आड़न भी नहीं आता, तो भी हम बोलने का क्या है, अफजलपुर हो, गुलबर्गा ग्रामीणी हो, ये क्षेत्र के मुसलमानों को थोड़ा हक दिलाएंगे बोलने का राधा कृष्णा साहब के ऊपर उम्मीद है, क्योंकि हम देखे दो तीन कामों में उनके ऊपर उम्मीद है। और दूसरी बात ये हमारे अजय सिंह साहब को ये बताते हैं कि भाई आपके पिताजी धर्म सिंह साहब जेवरगी से एमएलए बने, मिनिस्टर बने, मुख्यमंत्री बने, मगर आपके पिताजी मुसलमानों को कोई स्थान मान नहीं दिया, आप भी तीसरी दफा चुने गए। हम ये चाहते हैं कि आपको विनंती करते हैं कि मुसलमान के वोट आपको कितने परसेंटेज मिले, आपके पिताजी को पूरी तालुका जानती है, आपको कितने मिले आप भी जानते। हम ये चाहते हैं कि सीनियर लीडर हैं, आज बेचारे पूरी उम्र गुजर गई, आज उनको एक स्टेट लेवल में कोई स्थान मान नहीं दिया गया, इसलिए वो बेचारे आवाज उठाने की ताकत नहीं करे, क्यों नहीं करे, क्या भाई हमारी उम्र ही गुजरी, हम अब आखिरी वक्त क्या पूछना, उनके आवाज से हम उठे, बनो हमारे सीनियर को, किसी को बनो, हम कोई नाराज नहीं होंगे, किसी को भी बनो, रुकुम पटेल को बनो, काशिम पटेल को बनो, अमीन पटेल को बनो।